नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ये माइक्रोटेक के 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर का अंदर का राज जानेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या कुछ छुपा है, इससे हमें बिजली प्रदान करता है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कन्वर्टर मैंने लिया है अमेजोन से। आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर ही है, आप जाके देख सकते हैं। तो आप मैं आपको इसको खोलकर दिखा देता हूँ। ये अभी वर्किंग कंडीशन में ही है, मैंने लिया है 15 से 20 दिन ही हुए हैं इसको। देख सकते हैं यहाँ पर एसी लगा हुआ है। इसको मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ, आप वीडियो बिना इसको स्किप करें देखते रहिएगा। एक स्क्रू निकाला, ये दूसरा स्क्रू, दूसरा भी निकल गया है। कहाँ चला गया दूसरी जगह, वो ये तीसरा। 4 स्क्रू होते हैं इसमें, 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, देख सकते हैं। मैंने चौथा भी निकल ही रहा है। फंस गया है ये, बहुत मेहनत के बाद ये चौथा भी निकला है, ये दूसरी जगह चला गया, देख सकते हैं। अब बहुत क्या होता है इसके अंदर का राज मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, खुल जा सिम खुल गया। उसको सेल को यहाँ पर उखड़ लेते हैं, देख सकते हैं ऐसे उखड़ गया। और ये हमारा ये अब वारंटी के कंडीशन में नहीं रह रहा है, वीडियो बनाने के चक्कर में ये वारंटी में नहीं रहा है। अब मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर का राज क्या होता है इसके अंदर को, मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स इसमें दिख गए हैं आपको। इसको अच्छी तरह से मैं फोकस करके दिखा देता हूँ आपको। आप सभी पार्ट इसके ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एक एक करके सभी पार्ट दिखा देता हूँ। देख लीजिए हमारा ये 12 वोल्ट डीसी इन होता है, ये प्लस हो है और ये माइनस है। और यहाँ पर ये 78012 का है, ऐसे लगा हुआ है 78012। और ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है यहाँ पर, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1000 UF का, वही अभी 25 वोल्ट का कैपेसिटर है 100 UF का। और ये हमारे मॉस्फेट है, इसका मैं आपको नंबर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आपको इसके लिए सॉरी। और ये हमारी हीट सिंक है, और ये भी कुछ आईसी है, और ये हमारी मेन आईसी है। इसको इससे सभी पार्ट को ये कंट्रोल करते हैं, इसमें कोडिंग की गई है। और ये हमारे 5.2 वोल्ट देने के लिए USB दिया गया है, और देख लीजिए। और ये ऐसे है 7805, इससे हमारा ये दोनों मोबाइल चार्ज होते हैं, इस चार्ज इस ऐसे से। और ये दोनों मॉस्फेट है यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों मॉस्फेट है। और ये हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर है, ये आसानी से 200 वोल्ट आसानी से ले सकता है लोड, 200 वोल्ट से ज़्यादा ये नहीं ले सकता DC। यहाँ पर ये देख लीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, पर ये DC वोल्ट देता है, AC वोल्ट नहीं देता। और यहाँ पर ये PF लगे हुए हैं कुछ, और भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंस और डायोड भी आपको दिखते होंगे। और यहाँ पर ये हमारा सॉकेट के लिए, पर पीछे से आप देख सकते हैं, यही कुछ होता है हमारे 200 वोल्ट इन्वर्टर के अंदर को। मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए एक एक बारी कैसे मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ, देख सकते हैं।